आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की। देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने, तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे, ये देश नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है, चर्चा होती थी, हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल, उसकी ताकत हमने पहचानी है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई। और अगर कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो 30 लाख भेजे हैं, अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहाँ चला जाता, इसका हिसाब लगाइए। 15% मुश्किल से लोगों के पास पहुंचता, बाकी सब कहाँ चला जाता।